क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन. क्या है ये? मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन यू. बोलते हैं चलो जी KCS में चलते हैं, वहां जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा. पेरेंट्स किसी टॉपर से पूछ के कोई बुक्स लाते हैं, कहते हैं ये शुभानंद या अनिमेश ने पढ़ा था, इस बुक को पढ़ो सिलेक्शन हो जाएगा. कॉन्टिन्यूसली व्हाट इज हैपनिंग दिस एजुकेशन. कुछ लोग इंजीनियर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि उनके फादर हैं. कुछ लोग डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि देखा वो डॉक्टर साहब का क्लिनिक तो बहुत जबरदस्त सस्ता चलता है, हर रोज गाड़ियां बदलते रहते हैं, और उनका घर गए थे तो बहुत बड़ा था इसलिए डॉक्टर बनना चाह रहे हैं. कुछ लोग CA इसलिए बनना चाह रहे हैं, अरे वो CA साहब तो देखो खाली नहीं मिलते हैं, ओह क्या जबरदस्त तरीके से रहते हैं, सुना इन CA साहब के तो बहुत सारे मकान ये सिविक सेंटर में ही है. हम किस लिए पढ़ना चाह रहे हैं? हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, IAS क्यों बनना है? एक विद्यार्थी से मैंने पूछा IAS क्यों बनना है, बोला सर उसमें कमाई बहुत है. काश वो विद्यार्थी अभी मुझे दोबारा मिल जाए, मैं बोलूंगा मोदी साहब आ गए. केयरफुल, क्या सोच हो गई कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं? मार्क्स चाहिए. पेरेंट्स कहते हैं क्या चाहिए? अरे भाई आपका A1 नहीं है, अरे आपका 80% नहीं है. स्टूडेंट बड़ा खुश हो रहे हैं, कहते सही बात कह रहे हैं आप सर, पेरेंट्स परेशान नहीं करेंगे अब घर, क्योंकि जब भी देखो हर बार 20 मार्क्स का पेपर होता है 18.5 आए, पेरेंट्स बोलते हैं 1.5 कहां है. अरे 18.5 आए उसके लिए लड्डू नहीं मिलेगा, 1.5 कहां गए उसके लिए डांट मिलेगी. यानी हम कॉन्टिन्यूसली किस लिए पढ़ रहे हैं? कुछ हमें बनना है. किस लिए पढ़ रहे हैं? हमें मार्क्स चाहिए. किस लिए? IIT चाहिए. Nobody is thinking. So what is happening? सबने जैसे जैसे ये एक्सपेक्टेशन अपने इस डायरेक्शन में बनाए, और आज हालात क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर इन डिप्रेशन, स्ट्रेस. सो क्या हुआ? स्ट्रेस मैनेजमेंट की शॉप्स खुल गई. ये साहब क्या करते हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट. 45 मिनट्स इनसे जाके मिलिए, ये आपका स्ट्रेस मैनेज करेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, फिर आप पढ़ने. स्ट्रेस मैनेजमेंट की दुकान क्यों चल निकली? एक्सपेक्टेशन. क्या हमारे पास एक्सपेक्टेशन नहीं होते थे? होते थे. तो फिर क्या क्यों स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी? बहुत सारी चीजें होती थी. हम जब घर में होते थे, एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो एक दूर के रिश्तेदार आते थे घर पे, सबसे पहले आके पूछते थे बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? जी अंकल हम 8th में हैं. अच्छा ये बताओ 4 किलो अमरूद 1.25 रुपए का आता है, तो बताओ 15 पैसे में कितने अमरूद आएंगे? अभी यहां बैठी किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो जवाब नहीं आएगा. क्यों? उसको कैलकुलेटर चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, हमें कुछ नहीं मिलता था. यू हैव टू कम आउट फास्ट. व्हाट इज हैपनिंग नाउ? यू गो एंड आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. हमारे यहां दूसरे रिश्तेदार आ जाते थे, बेटा किस क्लास में पढ़ रहे हो? जी 8th में. अच्छा ये बताओ इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अच्छा ये बताइए अपना स्टेट है इसके गवर्नर कौन है? और हम क्विक क्विक रिप्लाई करते थे. आश्चर्यजनक बात, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन अभी 10th क्लास के स्टूडेंट से एक बैच में पूछ लिया, सर ये तो 9th में था, आप क्या बात कर रहे हैं? सर ये तो 1st सेमेस्टर में था, अभी तो 2nd सेमेस्टर चल रहा है. We all forgot that education was not like this.
एक चेन था वो चेन जुड़ता जाता था हमसे कोई अभी पूछे यूएसए में अब से पिछले वाले सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात बताओ वो बता सकते हैं इंडिया को तो छोड़िए Why? Because there was a chain. Everybody around me coming at home and talking. अच्छा पढ़ते हो अभी तो जैसे ही घर में रिश्तेदार आते हैं आप दो मिनट उनके पास बैठते हो दौड़ के अपने कमरे में चले जाते हो It is happening with 90% of the students. मिलते ही नहीं No conversation. क्यों अरे वो है ना अपने पास मोबाइल WhatsApp. वो है ना फेसबुक वाला अकाउंट जिसपे अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त ने फोटो डाली है हम न्यू सिविक सेंटर में यहाँ पे खड़े हुए हैं और देखिए जूस पी रहे हैं बड़ा बढ़िया लग रहा है टेस्टी है आपने एक लाइक मार दिया वेरी गुड वेल डन और दिन भर में ना जाने कितने लाइक्स के चक्कर में वो जो अभी रिश्तेदार बाहर आए थे हमने अपना जो इंटरेक्शन था उसको लगभग जीरो कर दिया आपको जान के आश्चर्य होगा इंडिया के अंदर इस समय अप्रोक्सीमेटली 3500 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और करीब करीब 60 लैक्स सीट्स हैं इंजीनियरिंग की जिसमें से आपको जान के आश्चर्य होगा 50% खाली पड़ी है आपको इंजीनियर बनना है चलिए अभी एडमिशन कराते बहुत रुपए भी नहीं चाहिए किसी जमाने में डोनेशन चलता था वो भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको जान के आश्चर्य होगा 8 लैक्स इंजीनियर इंडिया में निकलते हैं उसके 60% अनएम्प्लॉयड हैं आपको जान के आश्चर्य होगा गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर में प्लान कर रही है किसी तरीके से जो ये 8 लैक्स इंजीनियर्स निकलते हैं इसमें से 60% को एम्प्लॉयड किया जाए क्यों आपको जान के आश्चर्य होगा कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो कई बार वो 3, 4, 5, 6 साल लगाता था थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया 3 अटेम्प्ट से अब ज्यादा नहीं होगा शायद इसी बार से या अगले बार से शुरू करने जा रहे हैं जिससे भी मिलो एवरीबडी इज टॉकिंग कि साहब मेरा बच्चा इंजीनियर है मेरा बच्चा डॉक्टर है मेरा बच्चा अरे एक और चलाए क्लैट साहब वो आए हैं वो जो यूनिवर्सिटीज लॉज यूनिवर्सिटीज टॉप 10 ऑफ द कंट्री उसको क्लैट को क्वालिफाई करके वो क्या कर रहा है लॉ पता चला 5 साल बाद लॉ करने के बाद कहां है घर पे बैठा हुआ है नोबडी इज थिंकिंग व्हाट यू आर डूइंग इन दिस एजुकेशन Everybody is only running here and there. क्यों जी इंजीनियर बन जाएंगे IIT पहुंच जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे सब क्यों बनना चाह रहे हैं Because nobody is thinking about education. They are thinking about the post. They are thinking about the money. They are thinking about the marks. They are thinking about the grade. What is this? What are you doing? एक BA, Bachelor of Arts, इकोनॉमिक्स से करने वाला सड़क पे घूम रहा है लानत है ऐसे इकोनॉमिक्स पे अरे क्यों पढ़ते हो इकोनॉमिक्स व्हेन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल योर इकोनॉमिक्स यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो इन द प्राइवेट इंडस्ट्री देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 40% स्किल्ड पीपल 40% वैकेंसीज खाली पड़ी है बट दीज इंजीनियर्स cannot fill those vacancies. You know why? Because they don't have knowledge. Everybody is doing engineering, trying to go for medical, trying to go for CLAT, or whatever fields are there. Everybody is trying hard, but in the end, they are in depression. People are talking about depression. People are going to the psychiatrist. People are going to the doctor, but they are not going to the root cause. Why I am engineer? Because my father is engineer. Why I am engineer? Because my neighbor is engineer. Why I am engineer? Because all the people at home telling it is the shortest way to get the job. Because doctor takes a lot of time, engineer takes only 4 years. So better go for engineering. You can earn fast. What is this? What are you doing it? So this is what is the condition of education in our country. And apart from that, कोई minister बाहर घूमने गए दूसरे country में और उन्होंने देखा कि grading system होता है
कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता है, वो लाए उस ग्रेडिंग सिस्टम को और आपने हाल लगा दिया। अब तो 10th तक हर विद्यार्थी खुश, हर पेरेंट्स खुश। हर साल की ये घटना है, 11th में उस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को एडमिशन कराया था और 2 महीने बाद गुस्से में आता है मेरे पास, सर मेरा बच्चा 10 CGPA था, आपने तो बर्बाद कर दिया। 10 CGPA था, क्या पढ़ रहा है आपका बच्चा? कभी जानने की कोशिश की, डिप्रेशन की वजह जानने की कोशिश की? आपका बच्चा तो छोड़िए, हर एक का बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक का बच्चा अच्छा है, कोई इस दुनिया में बेवकूफ नहीं है। एंड इट इज वेरी क्लियर एंड सिंपल थिंग। कोई खड़े होके इस पूरे हॉल में बोले कि हम बेवकूफ हैं? हम बोलते थे। हमें रियलाइजेशन था कि मुझे देर से समझ में आता है, धीरे समझ में आता है, मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मुझे टीचर से बार बार डिस्कशन करना पड़ेगा, मुझे उस कॉर्नर में जाके बैठना पड़ेगा जहां से मैं चीजों को दोबारा से सोचूं, समझूं और फिर सीख पाऊं। वी कुड रियलाइज व्हाट हियर हु इज टेलिंग यू नोबडी। व्हाई? बिकॉज यू गॉट 10 CGPA। अब 10 CGPA से अच्छा क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है। सो आई एम द बेस्ट, सो दैट्स व्हाई दैट सॉन्ग इज फेमस, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बट यू आर नथिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टैकल योर इकोनॉमी, यू आर नॉट टैकल टू योर इनर इंजीनियरिंग, यू आर नॉट एबल टू टैकल योर इनर डिजीज, बट यू वॉन्ट टू बी डॉक्टर, यू वॉन्ट टू बी इंजीनियर, यू वॉन्ट टू बी लॉयर, यू वॉन्ट टू बी इकोनॉमिस्ट, बट यू आर नॉट एबल टू टैकल योर प्रॉब्लम्स। दैट इज वॉट वेयर दिस एजुकेशन इज गोइंग।